कुवैत में हुए भयानक अग्निकांड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उनमें से ज्यादातर भारत के ही हैं। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रही है। कुवैत में अग्निकांड की क्या कहानी है? कौन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है? कौन इस मातम का जिम्मेदार है? अब राख के ढेर से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है। खुद पीएमओ हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है। कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 49 हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके यहाँ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनके अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे, इनमें ज्यादातर भारतीय थे। खबर तो ये भी है कि इस हादसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं। दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगी वहाँ सिलेंडर में धमाका हुआ था, जिस वजह से आग तेजी से फैलती गई। फिलहाल इस हादसे का पूरा सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हादसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं। बाहर गर्मी झुलसा रही है, यूपी में भी गर्मी का बुरा हाल है। अगले 3 दिन गर्मी से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। मई के बाद जून की गर्मी लोगों का इम्तिहान ले रही है। राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं यूपी में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। बाहर लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है, लेकिन 15 जून तक लोगों को राहत मिलने के आसार कम ही हैं। यूपी के कई शहर भयंकर लू की चपेट में है, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि मॉनसून महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों में पहुंच चुका है और कई जगहों पर भारी बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिन की गर्मी जहां झुलसा रही है तो वहीं रात में भी पसीने छुड़ा रही है। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और आसपास के इलाकों में भीषण लू का असर दिखाई दे सकता है। किस किस राज्यों में हीट वेव की स्थिति और क्या अलर्ट आप लोगों की तरफ से है? देखिए, अगर आप इस मैप में देखेंगे, हमारा जो कोर हीट वेव का अभी जोन है वो है हमारा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश।
इन सभी राज्य में आज रेड अलर्ट रहेगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में हमने रेड अलर्ट दिए हैं। ये है रेनफॉल के लिए, तो ये एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसीलिए हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया है। बाकी ये पूरा रीजन में हमारा रेड अलर्ट रहेगा हीट वेव के लिए। यानी 2 से 3 दिन गर्मी झुलसाने वाली है। मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इनमें प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, कानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल है। बढ़ती गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन की समस्या भी आ रही है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर मरीजों को तेज धूप से बचने की सलाह दे रहे हैं। गोरखपुर में पीएचसी, सीएचसी से लेकर जिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक के अस्पतालों में बेड की व्यवस्था के साथ साथ इलाज और दवा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पेट से बीमारी से संबंधित, साथ में बुखार के मरीज, ये सब की संख्या बढ़ गई है। उल्टी दस्त के भी मरीज बढ़े हैं, तो कंपेरेटिवली पहले के तुलना में मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है और समय से खाएं, बाहर का चीज़ें बिल्कुल न खाएं और संतुलित भोजन लें। इंसान तो इंसान, जानवर भी गर्मी से परेशान है। वाराणसी के सारनाथ में मिनी जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। पानी के छिड़काव के साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मिनी जू है, तो जू में जो भी पक्षी है, सब जानवर हैं, उनको देखे हैं। जो पानी वाले जीव हैं वो पानी के अंदर हैं। गर्मी इतना तेज है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी घड़ियाल देखने के लिए या कछुआ देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा? काफी 10 से 15 मिनट इंतजार किए, लेकिन नहीं देख पाए। पानी में है अभी तो। देखने को मगरमच्छ दिखा है, बाकी तो नहीं, और काफी नहीं दिख पाए हैं। बाकी पक्षी वगैरह तो गर्मी की वजह से काफी परेशान है ही। तो वहीं इस तरह सूरज की तपेश कुछ और दिन दिखने वाली है, इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहें न्यूज 18।